फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हल्दीराम के समोसे की अनबॉक्सिंग और देखेंगे ये समोसा कैसा है खाने में। और क्योंकि ये एक तरह से जो है नमकीन की ही वैरायटी है, और सबसे पहले देखते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका जो प्राइस है 48 रुपीज़ है, और ये 200 ग्राम की पैकेजिंग में आता है। और यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज एनर्जी पर 100 ग्राम के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। और इंग्रेडिएंट जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स है वो इसके ये इसके नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा है, एडिबल वेजिटेबल। और इसके अंदर आपको समोसे के साथ साथ एक केचप का पाउच यानी टोमेटो सॉस का एक छोटा सा पाउच भी मिलता है। और ये एक तरह से नमकीन की वैरायटी है। आप ये मत सोचिएगा कि समोसा बोल रही हूँ तो आलू का समोसा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें शायद से, क्योंकि मैंने पहले भी टेस्ट किया हुआ है हल्दीराम का, ये न्यू पैक में है, पहले कोई और थोड़ी सी पैकेजिंग अलग थी, टेस्ट शायद सेम हो, पता नहीं मुझे, मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और क्योंकि ये जो समोसा होता है इसके अंदर दाल वगैरह भरी होती है, जैसे कचौरी के अंदर होती है उसी टाइप में। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी जो शेल्फ लाइफ है, बेस्ट बिफोर 5 मंथ, विदिन 5 मंथ जो है आपको इसको कंज्यूम करना होता है मैन्युफैक्चर डेट से। तो चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इजी सील टू कीप द कंटेंट फ्रेश। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे। चलिए पहले इसे निकाल के देख लेते हैं कितना समोसा है। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमको ये टोमेटो केचप मिलता है, और समोसे को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। एक थोड़ा सा एक क्रैक्ट है ऑलरेडी, तो हम इसी का देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ दी हुई है। ये इसमें मुझे लग रहा है सौंफ है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सेम जो कचौड़ी में भरी होती है दाल, वही चीज़ है, सौंफ है। अरे, मूंग दाल मुझे लग रही है। और आप अगर आप लोगों ने कचौड़ी खाई होगी मार्केट में, तो ये सेम वही टेस्ट है, मतलब आलू फिल नहीं होता। अगर कोई सोचे कि समोसा है तो आलू फिल होगा, तो आलू नहीं है इसमें, इसमें यही चीज़ है। और आपको जो समोसे मिलते हैं मैंने आपको काउंट करके बता ही दिए, 10 समोसे आपको मिलते हैं, 48 रुपीज़ इसका प्राइस है। मतलब अच्छी चीज़ें खाने के लिए, अगर कहीं ट्रैवल पे जाते हो तो भी आप इसे जो है कैरी कर सकते हो, लेके खा सकते हो, अच्छा है। बट 10 समोसे के अकॉर्डिंग एक ये पाउच दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इनफ है। एक पाउच में मुझे लगता एक या 2 समोसे खा सकते हो। बाकी ठीक है, आप चाय के साथ सर्व कर सकते हो घर में, टी टाइम में कोई गेस्ट आ जाए तब आप सर्व कर सकते हो, कहीं जाते हो तो आप इसे कैरी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप नमकीन खाते हो समोसे के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है। अगर आप 1-2 समोसे भी खा लेते हो, 2 या 3 भी खा लेते हो, थोड़ा सा नमकीन के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो पेट आपका जो है मतलब भर जाता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।